ओके, तो ये चाट पापड़ी की जो रेसिपी है ना वो मेरी फेवरेट है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टिक्की छोले चाट। टिपिकल दिल्ली स्ट्रीट फूड स्टाइल में आपके लिए लेकर आया हूँ। वही रेसिपी है, वही चटकारे मारेंगे, चटनियाँ डालेंगे, दही डालेंगे और ये बढ़िया चाट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी घर पे ही। सो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है टिक्की छोले चाट। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की चाट की रेसिपी। टिक्की छोले चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे छोले बनाकर तैयार करूँगा। और छोले मैंने उबाल लिए हैं, तेज पत्ता डाला था, मोटी वाली इलायची डाली थी और ज़रा सा नमक डाला था बस। और वो डाल के मैंने छोलों को बिल्कुल फुल डन कर लिया है, बिल्कुल कम्प्लीटली आपको बॉयल करने हैं, खड़े खड़े छोले नहीं रखने हैं। अब शुरू करते हैं इसका, ये झटपट तड़का है। तो सबसे पहले तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़रा सी अजवाइन और साथ ही में ज़ीरा, ग्रीन चिलीज इस तरीके से स्लिट करके और जिंजर जूलियंस। बस हल्का सा तड़कने देंगे और गैस हम फौरन बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूंगा नमक। नमक डालने से क्या होता है, तेल का टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है। तो उसके बाद मैं सारे पाउडर मसाले डालूंगा तो वो जलेंगे नहीं। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़रा सी हल्दी, काला नमक, अमचूर, काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, और ये बहुत ख़ास है, ये मस्ट है, इसके बगैर वो जो फ्लेवर होता है ना, वो हल्का सा जो खटास आती है उसके अंदर, वो नहीं आएगी। ये है अनारदाना पाउडर। तो ये सूखे अनारदाना का पाउडर है, ये जाएगा चम्मच भर के। उसके अलावा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी लेंगे, उसे हाथों से हल्का सा क्रश करके मैं डाल दूंगा इसमें। और अब मैं गैस जो है वो ऑन करूंगा, सिम पे ही रखेंगे और फौरन इन मसालों को मैं तेल के साथ मिक्स कर दूंगा। बस हल्का सा भूनेंगे 30 सेकंड के लिए, फिर इसमें मैं ऐड करूंगा ज़रा सा पानी। और पानी ऐड करने के बाद मसाले को एक मिनट के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हो इसने तेल छोड़ दिया है, जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर ये जो उबले हुए छोले थे इसमें से ये हम निकालेंगे खड़े मसाले, इलायची और साथ में तेज पत्ता, इसे अलग करेंगे। अब ये उबले हुए छोले गए इस मसाले के अंदर, मिक्स करेंगे। गैस अब बढ़ा देते हैं, छोलों को अच्छे से तड़के के साथ हम करेंगे मिक्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी गैस पे ना मैंने चाय पत्ती का पानी जो है वो उबलने के लिए रखा है, कुछ नहीं किया, ब्लैक टी बनाएंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे एक दो चम्मच भर के और अच्छे से उबाल लेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये उबल चुका है, अब इसको मैं छान के अलग किसी बोल के अंदर निकाल लेता हूँ पहले। क्योंकि मार्केट में जो छोले मिलते हैं उनका रंग जो होता है वो हल्का सा ब्राउन होता है, डार्क होता है, जो पिंडी छोले होते हैं या फिर जो दिल्ली स्टाइल छोले होते हैं, छोले भटूरे वाले छोले होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग बनाते हैं। और अब ये जो पानी है ना ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो चाय पत्ती का पानी ऐड किया, अब एक काम करेंगे, अब ये ढक्कन लगाया और इसे आप भूल जाओ। और फिर हम आते हैं अब अपनी टिक्की पर। अब टिक्की के यहाँ पे दो स्टेप्स हैं, एक जो आलू की टिक्की होगी आउटर कवरिंग, और दिल्ली वाली जो टिक्की होती है ना उसके अंदर एक फिलिंग होती है, एक स्टफिंग होती है, वो किस चीज़ की होती है, वो होती है चने की दाल की। तो यहाँ चने की दाल को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है, बिल्कुल मशी नहीं होनी चाहिए, दाना इसका अलग अलग दिखना चाहिए इस तरीके से। अब इसकी झटपट हम फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन लेंगे, गैस हम जला लेते हैं और ज़रा सा तेल डालेंगे बस। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर जाएगी ज़रा सी सौंफ, ज़ीरा, दरदरा कुटा हुआ अदरक, इन्हें हल्का सा सौते करेंगे, 30 सेकंड के लिए भूनेंगे
और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी उबली हुई चने की दाल। मिक्स करेंगे और बस 2-3 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे ताकि जो मॉइस्चर है दाल का वो थोड़ा सा कम हो जाए। बस अब गैस कर देंगे बंद और टिक्की के लिए दाल की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे अलग से प्लेट में निकालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और हम टिक्की के अंदर इसे स्टफ कर पाएं। अच्छा जी, अब आते हैं मेन आलू की टिक्की के ऊपर। ये उबले हुए आलू हैं और आलू का आपको खास ध्यान रखना है। सब्जी वाले से कहना कि पहाड़ी आलू चाहिए तो वो आपको दे देगा, या फिर आप उसे कह सकते हो वो आलू जिसके चिप्स बनते हैं तो वो आपको खुद दे देगा। तो ये जो आलू हैं उसे अच्छे से उबाल लिया है मैंने, और टिक्की बनाने के लिए इन आलू को सबसे पहले हम ग्रेट करेंगे। आलू ग्रेट करने के बाद इसका हम बनाएंगे डो टिक्की के लिए। इसके अंदर सबसे पहले मैं ये डाल दूंगा, आपको लग रहा है ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स नहीं है, जो सूजी के टोस्ट आते हैं, रस्क जिन्हें कहते हैं, उसको बस आप लेना, 3-4 रस्क लेना, उसको ग्राइंडर में घुमाना, इस तरीके से चूरा बन जाएगा। तो इससे एक फ्लेवर भी ऐड होता है और कुरकुरापन ऐड होता है टिक्की के अंदर, जो बिल्कुल मार्केट जैसी टिक्की का जो होता है ना कुरकुरापन, बिल्कुल वो आ जाएगा ये ऐड करके। तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ज़रा सा, और साथ ही में डो बनाने के लिए मैं डालूँगा कॉर्नफ्लावर, सीजन कर देंगे नमक और तेल 1-2 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। टिक्की के लिए जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। डो रेडी है, स्टफिंग के लिए दाल रेडी है, अब शुरू करते हैं टिक्कियां बनाना। टिक्की रखने के लिए प्लेट को मैंने ज़रा सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया है, और हाथों को भी ग्रीस कर लेंगे और फिर हम बनाना शुरू करते हैं टिक्कियां। तो एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ा, उसको हल्का सा फ्लैट किया और एक छोटी सी कटोरी बना लेंगे इसकी, और इसके अंदर ये जो दाल की स्टफिंग थी वो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच बस, और इसे बंद कर लेंगे और बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे इतना। तो बस मैं ऐसे ही 3-4 टिक्कियां पहले बना लेता हूँ। टिक्की बनकर तैयार है, अब इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। गैस ऑन करते हैं और एक तवा रख लेते हैं, तवे के ऊपर डाला तेल। अब तेल को हमें मीडियम गर्म करना है और उसके बाद मैं एक एक करके टिक्की जो है तवे के ऊपर डालूंगा। अगर आप इसे ठंडे तवे के ऊपर डाल दोगे तो जो टिक्की है वो नीचे से चिपक सकती है, तो फिर जो है वो सारा जो माल मसाला है वो तेल के अंदर बह जाएगा, पूरा तेल आपका ख़राब हो जाएगा, टिक्की जो है वो बनेगी नहीं। एक से दो मिनट के लिए इसे एक साइड पे तलने के बाद हम फिर टर्न करेंगे, तब तक आपको इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देखो, इस तरीके से गोल्डन और क्रिस्पी एक साइड हो जाएगी। टर्न करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड भी कुक करूंगा, और फिर टर्न करके इसे अच्छे से कुक करेंगे, और टोटल इसको लग जाते हैं तकरीबन 10 मिनट। जी हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको इसके लिए रखना पड़ेगा, पर टिक्की जो है वो मज़ेदार, बिल्कुल बाजार के जैसी बनेगी, खस्ता कुरकुरी। जब तक हमारी टिक्की जो है वो तली जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ छोलों की शक्ल। और छोले मैंने अच्छे से 15-20 मिनट के लिए पका लिए थे, आप खुद देख सकते हो क्या इसके अंदर लेस आ गई है, एक चमक ऐड हो गई है और ये गाढ़े हो गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चाट पापड़ी वाले या छोले भटूरे वाले के पास होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो छोले डन है, बस टिक्की हो जाए तो फिर हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। दोनों साइड पलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरी हम टिक्की कर लेंगे। टिक्की अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है,
बट जो टिक्की वाले होते हैं वो इस तरीके से थोड़े ना सर्व करते हैं, अंदर तक कुरकुरी करते हैं। कैसे? अब इसकी थोड़ी सी खूबसूरती ख़राब होने वाली है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा इसे प्रेस करेंगे, इसको फ्लैट करेंगे ताकि ये अंदर तक जो है वो खस्ता कुरकुरी हो जाए। टिक्की हमारी तल के बिल्कुल तैयार है, एक एक करके इसे निकाल लेते हैं पेपर टाल के ऊपर। अब फाइनल स्टेप आया, अभी जो टिक्की छोले चाट है उसकी हम करेंगे असेंबली। एक एक कुरकुरी टिक्की लेंगे और उसको हम तोड़ेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर जाएंगे ये गर्मा गर्म छोले, ज़रा से छोले, और प्लेट में एक थोड़ी ना होती है टिक्की, दो होती है ना, तो ये दूसरी टिक्की जो है वो हल्की सी क्रश करके ये गई ऊपर। कुछ छोले और, अब इसके बाद दही जो मैंने फेंट के रखा है, अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगा दही। और बिना चटनियों के कोई भी चाट जो है वो अधूरी है। तो ये धनिया पुदीने की चटनी, हरे वाली, लाल वाली चटनी, इसे दिल्ली में सौंठ भी कहा जाता है, या फिर इमली की चटनी जो होती है मीठी वाली, ये जाएगी। और मसालेदार बनाते हैं इसे, तो इसके ऊपर चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, और ये दिल्ली के मसालों की सौगात है, यह है पीली मिर्च यानी कि येलो चिली पाउडर। तो इसके बगैर चाट पापड़ी अधूरी है। पनीर कटे हुए, अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो आपको पसंद हो। कुछ लोग इसके ऊपर अनार के फ्रेश दाने भी डाल के खाते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पनीर क्यूब्स कुछ, और ये मेरे पास प्याज के लच्छे और साथ में बीट रूट यानी कि चुकंदर के जुलियंस इस तरीके से लंबे लंबे कटे हुए ये हैं, तो ये थोड़े से गए इसके ऊपर। और ये हमारी दिल्ली स्टाइल टिक्की छोले चाट जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। और आपको बनाना पड़ेगा, ये छोले बिल्कुल आसान है, टिक्की मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया है। अगर आप ये रेसिपी ऐसे ही फॉलो करके बनाओगे तो बिल्कुल खस्ता कुरकुरी टिक्की आपकी बनके तैयार होगी, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ट्राई करो, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, और भी इसी तरीके की चटाखेदार मसालेदार चटपटी रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।